रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, चंडीगढ़ से नवजोत सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था, एसवाइल और बिजली के मुद्दे को लेकर ये मुलाकात हुई है, जहां राज्यपाल को नवजोत सिद्धू ने ज्ञापन भी सौंपा है। आपने पंजाब के लोगों से झूठे वायदे किए, उन्होंने ऐसा भी कहा और साफ कहा कि पंजाब में जानमाल सुरक्षित नहीं है। तो बड़ी और अहम जानकारी, चंडीगढ़ से नवजोत सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था, एसवाइल और बिजली के मुद्दे को लेकर ये मुलाकात हुई है, जो राज्यपाल को नवजोत सिद्धू ने ज्ञापन सौंपा है और उसमें लिखा है कि आपने पंजाब के लोगों से झूठे वायदे किए, पंजाब में जानमाल सुरक्षित नहीं है। नवजोत सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। इसी खबर पर पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, नवजोत सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या है पूरी जानकारी? समय नवजोत सिद्धू जो है राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर आ चुके हैं। अभी मीडिया से जो बातें हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी केवल झूठे पे जो है वो छोड़ रही है और पंजाब के लोगों का कहीं ना कहीं बिल्कुल इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपने पूर्व विधायकों के साथ आप ये देख सकते हैं, राज्यपाल बिल्कुल सामने प्रवेश कुमार है, राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं और आप ये देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपने पूर्व विधायकों के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है जागृति, और इस ज्ञापन में खास तौर पर राज्यपाल से ये कहा गया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, बीते एक महीने में 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और साथ ही जो 300 यूनिट बिजली की बात की गई, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कहीं ना कहीं बिजली जो 300 यूनिट बिजली के नाम पर जातीय जो है एक दूसरे के साथ भेदभाव जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी को के ऊपर एक तरह से बोझ जो है वो डाला गया है। और पहले 2 KG की बात की गई थी, 2 KG जिनके घर में बिजली होगा उनको 300 यूनिट जाएगी, लेकिन अब जो है वो कम करके 1 KV 200 मीटर है उस पर बिजली 300 यूनिट फ्री मिली है। तो ऐसे कई मुद्दे लेकर के राज्यपाल के पास नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एग्रेसिव लग रहे थे और उनके साथ पूर्व विधायकों की एक टीम थी, उनमें से राजपुरा के विधायक उनके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र में भी कई विधायक उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जो है नए अध्यक्ष कार्य घोषित होनी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह प्रजापति। तो लेकिन इसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई बड़ा नेता नहीं मौजूद था, ना ही कोई अध्यक्ष मौजूद थे, ना ही लीडर प्रताप सिंह बाजवा मौजूद थे। तो कौन जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब के राज्यपाल से मिले, जहां पर उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे और ये बिजली के मुद्दे को लेकर के भी उनसे बातचीत की और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा। उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और ये आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से झूठे वादे किए, वही साथ ही साथ कानून व्यवस्था, एसवाईएल और बिजली के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि आपने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए, आपने जानमाल सुरक्षित नहीं है। तो कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो साथ ही साथ राज्यपाल से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात में कानून व्यवस्था, एसवाईएल और बिजली के मुद्दे को लेकर मुलाकात की। राज्यपाल को नवजोत सिद्धू ने ज्ञापन भी सौंपा, कहा कि आपने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए हैं। तो आपको बता दें कि 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद नवजोत सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ये आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में जानमाल सुरक्षित नहीं है, एक महीने की सरकार में पंजाब में 40 लोगों के कत्ल हुए हैं और पंजाबी सरकार लोगों के पैसों पर आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है और साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में जान माल सुरक्षित नहीं है और कानून व्यवस्था पर यहां पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो वही एसवाईएल और बिजली के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने ये मुलाकात की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यपाल से मुलाकात की और पंजाब के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा है।
से बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां नवजोत सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की जनता से झूठे वादे करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था, इस बारे और बिजली के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने ये मुलाकात की है। और आपको बता दें कि 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद नवजोत सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये आपको बता दें कि इस मुलाकात में पंजाब में कानून व्यवस्था, एसवाइल और बिजली के मुद्दे को लेकर बातचीत की गई। और साथ ही साथ नवजोत सिद्धू ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि आपने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए, पंजाब में जान माल सुरक्षित नहीं है। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, एसवाइल के मुद्दे को लेकर और बिजली के मुद्दे को लेकर ये मुलाकात की गई है। नवजोत सिद्धू का कहना है कि पंजाब में जान माल सुरक्षित नहीं है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के कर्ज को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के लोगों को झूठे वादे किए जा रहे हैं। संजीत, आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि नवजोत सिद्धू ने जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी पर जो है आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाब के लोगों से झूठे वादे किए हैं। बिल्कुल बहुत अग्रेसिव लोग, बार बार यही कह रहे थे कि पंजाब के लोगों के साथ कहीं ना कहीं झूठे वायदे पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार मुख्यमंत्री द्वारा किए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले बिजली जो है वो 300 यूनिट फ्री करने की बात कही गई थी, और उसमें किसी तरह के चुनाव के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि आपको जातीय जो है वो भेदभाव देखना होगा, या ये भी नहीं कहा गया था कि 2 KV मीटर होना चाहिए या 1 KV मीटर। तो कहीं ना कहीं मोहन सिंह मान आते हैं, पहले 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान करते हैं और उसके बाद बिजली मंत्री जो कि आते हैं और उस पर स्पष्टीकरण देते हैं कि 2 KV नहीं, 1 KV मीटर वालों को बिजली 300 यूनिट फ्री मिलनी, और साथ ही जनरल कैटेगरी के ऊपर जो है कई पेज बताए गए और SC BC। और मैं एक बार जागृति बताना चाहूंगा, 200 यूनिट फ्री बिजली तो पहले से ही पंजाब में SC BC और अलग अलग जो कैटेगरीज है जिनकी आमदनी बिलो आप कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन से है, उनको पहले ही पंजाब में दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति। और दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही कि इस समय बिजली संकट जो है वो पंजाब में गहराता जा रहा है, कोयले की जो कमी है उसकी यही कारण है कि गांव में केवल 2 घंटे ही बिजली मुहैया करवा पा रही है पंजाब सरकार। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से बिजली और दूसरी तरफ ये भी कहा कि इस समय पंजाब के जितने भी लोग हैं 85% जी हाँ 85% से जो आमदनी है वो अपने कर्ज उतारने हैं पंजाब के लोगों की जा रही है, और यही हाल रहा पंजाब के लोग जो है पंजाब छोड़ छोड़ कर पलायन कर जाएंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल में अपनी राजनीति जो है, और उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान जो है बिल्कुल हिमाचल में जाकर के चुनाव प्रचार में लगे हैं, और साथ ही जो पंजाब सरकार का पैसा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो नाजायज तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस समय झूठे वादों के साथ साथ केवल शकूफे जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा छोड़े गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एसवाईएल के मुद्दे पर भी ये मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं एसवाईएल का मुद्दा जो है वो भी लगातार अब गर्माता जा रहा है। जी जागृति, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति देखिए किस प्रकार से हो रही है। एक तरफ एसवाईएल के मुद्दे पर जहां हवा दी गई आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी है सुशील, जो कि राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने कहा कि हम SYL हमारी सरकार है पंजाब में और हम SYL जो है हरियाणा में पानी लेकर आई है। और दूसरी तरफ बीते कल प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो कि आम आदमी पार्टी से ही है, उन्होंने कहा मैं अपनी गर्दन तक कटवा दूंगा, एक बूंद पानी भी हम अपने पंजाब से जाने नहीं देंगे। और यही कारण है नवजोत सिंह सिद्धू ने भी राज्यपाल से मुलाकात की कि SYL को लेकर के फिर एक बार मुद्दा जो है गरमाया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं हरियाणा में कि हम पानी लेकर के रहेंगे, और पंजाब के नेता कहते हैं हम देंगे नहीं।
तो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव हिमाचल में बिल्कुल पास है, इसी वर्ष नवंबर में होने हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यपाल से यही कहा कि पंजाब का माहौल जो है कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है और इस समय बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। यही कारण है इस मुलाकात को कई एंगल से देखा जाए। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो एसवाईएल का मुद्दा उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हरियाणा में उन्होंने कहा कि जो है हरियाणा में भी उसका पानी लाया जाएगा और पंजाब में जो नेता है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप भी एक पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। साथ साथ हमें तो ये लग रहा है कि इस समय आम आदमी पार्टी बिल्कुल राजनीतिक पार्टी जो है वो बन चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए, और इस समय जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, 2024 में हरियाणा में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा के प्रभारी है सुशील गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके पास प्रभार है और लगातार आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है लगातार उसमें भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो सुशील गुप्ता इसे कहीं ना कहीं साधने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का मुद्दा दिखा करके आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान जो है बढ़ाया जाए, लेकिन पंजाब में स्थिति बिल्कुल विपरीत है और पंजाब में जो मौजूदा मंत्री है वो कहते हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज शाम होते होते क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने आकर के स्पष्टीकरण देते हैं या एक बार फिर हरपाल सिंह चीमा मीडिया के मुखातिब होते हैं, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, सिर्फ एक ही महीना हुआ है और ऐसे में अब नवजोत सिद्धू ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था पर, क्योंकि लगातार मर्डर जो है इसकी खबरें पूरे पंजाब से आनी शुरू हो चुकी है और सरेआम गोली चलाना तो एक ऐसे लगने लग गया पंजाब में कि यह काम बात है, और यही कारण है बहुत ज्यादा गंभीर चिंता जताई है नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तीन डेलीगेट की जो मीटिंग राज्यपाल से हुई है। उन्होंने अपने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है, कभी कुमार विश्वास के घर भेजा जा रहा है तो कभी अलका लांबा के घर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक चीज से दो शिकार करना चाह रहे थे, मीडिया से मुखातिब होकर के भी उन्होंने यही बात की कि पंजाब पुलिस, और मेरी विनम्र विनती है डीजीपी पंजाब से कि कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में लगातार माहौल बिगड़ने की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और लगातार मर्डर जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीते दो रोज पहले बठिंडा में भी एक वारदात सामने आई, कभी दुआबा से या माझा से अमृतसर के पास से खबरें आ रही है, तो बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय है। और नवजोत सिंह सिद्धू ये बर्निंग, उन्होंने साफ तौर पर ये जरूर कहा, ये बर्निंग पॉइंट्स है जो पंजाब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि वो राज्यपाल से आज मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।